जय श्री बांके बिहारी। दोस्तों हम आ चुके हैं पहाड़गंज में और यहाँ पर मैं आपको लाया हूँ शायद पूरे पहाड़गंज की सबसे पुरानी और सबसे फेमस दुकान समोसे के लिए। हम आ चुके हैं बांके बिहारी समोसे वाले पे और यहाँ जो सुबह से क्राउड होता है ना, शायद इतना क्राउड आपको समोसे, गुलाब जामुन, ब्रेड पकौड़े और कचौड़ी के लिए कहीं ना मिले। वही रेसिपी जो 1960 से चला रहे हैं, वही सेम रेसिपी आपको यहाँ मिलने वाली है, सेम टेस्ट मिलने वाला है। अभी जो है मैं कहूँगा 10% क्राउड है, आप आ जाइए सुबह और शाम को समोसे खाने के लिए, ऐसे भीड़ आपको मिलने वाली है शायद कहीं नहीं मिलने वाली आपको। ये भाई आलू की सब्ज़ी है, अच्छा छोले, ओके आलू की ख़त्म हो गई है, तो शाम को आप समोसे और उसके साथ छोले मिलेंगे, छोले की सब्ज़ी। इसके अंदर मुझे लगता है प्याज लहसुन का प्रयोग तो नहीं होता, बहुत बढ़िया। सो गाइस यहाँ देखेंगे आप पीछे समोसे बन रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और हाइजीनिक तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं समोसे। मसाला देखिए एक बारी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई एक्स्ट्रा मसाले डालने की कोई कोशिश नहीं है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी से लग रही है। सर एक बार बताएंगे इसमें क्या क्या आप ऐड करते हैं? सर इसके अंदर गरम मसाला होता है, हाँ जी, लाल मिर्च होती है, नमक होता है जी, धनिया होता है, हरी मिर्च होती है, ठीक है सर, बाकी नमक और बाकी नॉर्मली मसाले और जीरा टाइप होता है बस। अच्छा, उसे कोई हाई नहीं डालते, जैसे नॉर्मल है, जिससे खाने में भी ठीक लगता है, जिससे जैसे जलन होती है वो वाला मसाला हम यूज़ ही नहीं करते। बढ़िया बढ़िया। अच्छा सारे मसाले आप देखेंगे ऊपर, धनिया और सूखा मेथी पत्ता सारे, बिल्कुल बिल्कुल, कोई चीज़ हमारे में कोई बच भी जाता है हम उसको अगले दिन यूज़ ही नहीं करते जी। सर बहुत बढ़िया, क्योंकि कई कस्टमर होंगे जो रोज़ खाते होंगे शायद आपसे। सर रेगुलर हमारा नाना करते हुए 2500 समोसा बिकता है। अच्छा, रोज का जी सर, बहुत बढ़िया। और सर आपने प्राइस बताया 20 रुपीज पर पीस है समोसा? सर 20 रुपीज पर पीस ग्लास समोसा है, 20 रुपीज पर पीस गुलाब जामुन है, ओके 20 रुपीज पर पीस ब्रेड पकौड़ा जी सर, 18 रुपीज कचौड़ी कचौड़ी है, ओके परफेक्ट। और ये देखिए भाई ये आ गया गर्मा गर्म समोसे, तो भाई गर्मा गर्म समोसे आपके सामने बन रहे हैं दोस्तों। और पूरे 12 महीने ऐसे ही यहाँ पे इससे ज़्यादा क्वांटिटी में समोसे बनते हैं। तो मेनली जो नाम है बांके बिहारी समोसे वाले के नाम से है, लेकिन यहाँ पे आपको समोसा, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, बाकी उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। सर ये रेस्टोरेंट आपने नया खोला है यहाँ पर? सर ये रेनोवेशन कराइए। अच्छा रेनोवेशन करवाई है। मैं 3 साल पहले यहाँ पे आया था तो ये कैसी दुकान थी, पुरानी सी दुकान थी, अंदर आके यहाँ पे अंकल बैठते थे और वो सारी क्राउड वहीं पे खड़े होकर खाता था समोसे। पहले वही थी सर। हाँ जी, तो ये वही दुकान को आपने चेंज कर? सर मेन जो सर पुरानी शॉप है वो सर लास्ट वाली है। अच्छा लास्ट वाली, ओके। ये तो सर रेनोवेशन कराइए जी। ये दो दुकानें थी हमारे पास, ठीक है। अब ऊपर रेस्टोरेंट भी खोलना है हमने। अच्छा, उसके बाद फिर कचौड़ी हुई, फिर समोसा जी, गुलाब जामुन, अब हमने ब्रेड पकौड़ा, छोले भटूरे, भेड़ी पूड़ी है, ये सर रेसिपी वही 1950 सर, वहीं से सर जो भी हमारा सामान, जो भी मसाले हमारे आते हैं सर वहीं से आते हैं, जहाँ से पुराने सर जी सर, और जो भी हमारा जो ढाप खोया पनीर जो भी होता है वो जहाँ से शुरू से आ रहा है वो वहीं से आ रहा है। बहुत बढ़िया सर। सो ये देख लिया गाइस गर्मा गर्म समोसे हो चुके तैयार, और ठंड दिल्ली में स्टार्ट होने वाली है, और ठंड के टाइम पे जब गर्मा गर्म समोसे और गुलाब जामुन मिल जाए ना, तो इससे बढ़िया ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता दिल्ली वालों का। सो गाइस समोसे हो चुके बिल्कुल तैयार, अब जाएंगे परात के अंदर। तो समोसे हो चुके बिल्कुल तैयार, और ये देखिए अब जाएंगे साइड में परात के अंदर, बहुत बढ़िया। सुबह से शाम आपको ये प्रोसेस यहाँ पे दिखता रहेगा। द बेस्ट पार्ट इज़ समोसे और सब्ज़ी और गुलाब जामुन बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर होते हैं, सामने सामने बनते हैं, यहाँ कुछ भी ऐसा सामान नहीं मिलेगा जो आज रखा है और कल यूज़ हो। और समोसे तैयार होते हैं गैस, और फिर जाते हैं फर्स्ट वाली सबसे पुरानी दुकान में जो कि 1958 से है यहाँ। सो गैस यहाँ गुलाब जामुन, समोसे, ब्रेड पकौड़े, हर चीज़ बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर होती है। जैसे कि आप देखिए गुलाब जामुन तैयार हो रहे हैं अभी, और बहुत ही कम जगह दोस्तों ऐसा होता है कि गुलाब जामुन आपको फ्रेश मिलते हैं, वरना हर जगह बना के रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर सुबह से शाम गुलाब जामुन तैयार होते रहते हैं। भाई क्या कमाल के गुलाब जामुन लग रहे हैं, कलर देखो यार बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। सच में यार अब ठंड आने वाली है, और ठंड में गर्मा गर्म गुलाब जामुन का मज़ा कितना ज़्यादा आता है वो सब आप जानते ही हैं दोस्तों। और ये हो चुके हैं भाई तैयार, अब जाएंगे सीधा चाशनी में, अमेजिंग। और अब जाएंगे सीधा चाशनी के अंदर, गर्मा गर्म गुलाब जामुन। और ये भैया आज के लिए इतना ही है, शाम तक चलेंगे पूरा, ये भी आगे लगी है ना। अच्छा ताज़ा बनता है ना फ्रेश रोज। हाँ सही बात है,
ताज़ा रहता है, फ्रेश रोज उधर माल बनता है, रोज निकलता है। बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा काले वाले अलग है, ये वाले अलग है? हाँ दो थे, ये थोड़ा लाल है थोड़ा काला करके। ये कैसे बनते हैं, फर्क कैसे होता है दोनों में? इसको ज़्यादा पका जाता है? ये थोड़ा ज़्यादा पक जाता है। अच्छा, कोई कम कहता है थोड़ा काला वाला। हाँ हाँ, अपना अपना पसंद है। सही बात है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अभी मिस्टर निहाल चंद जी को, जिन्होंने बाकी बिहारी समोसे वाले की शुरुआत करी। सर एक बार बताएंगे कब आपके परदादा जी थे शायद? ये मेरे परदादा जी जी, कब इन्होंने शुरुआत की? 1958 से सर शुरू। अच्छा, उस समय सर हमने एक आने के 16 समोसे। अरे क्या हो? और अब 20 रुपये का एक समोसा। अच्छा बहुत बढ़िया सर। तो देखा जाए एक आने के 16 समोसे, तब से शुरुआत, और अब 20 रुपये के एक समोसे तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सो गाइस यहाँ पे हम ले रहे हैं एक समोसा एक कचौड़ी। और साथ में आएगी छोले की सब्जी। ये चटनी किसकी रहती है सर? सर चटनी में क्या क्या रहता है? धनिया पुदीना मिर्ची तो यहाँ के गाइस गुलाब जामुन, एक काले वाला एक लाल वाला। तो भाई हम अंदर आ चुके हैं, आप चाहें तो बाहर खड़े होके भी खा सकते हैं, आप चाहें तो प्रॉपर अंदर बैठकर भी खा सकते हैं। ये देखिए सर हमने क्या क्या लिया है, समोसा कचौरी और साथ में छोले की सब्जी चटनी के साथ, गुलाब जामुन है और इधर दो समोसे। और चलिए भाई अब क्या है ना कि इतना बढ़िया खाना देख कर ना मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि मैं 3 साल पहले यहाँ पे आ चुका हूँ और इनका स्वाद जो था अभी तक मुझे याद है। चलिए दोस्तों टेस्ट करते हैं समोसा कचौरी। और ये हमारे मुनीश भाई को समोसा ज़्यादा पसंद है तो उन्होंने 2 समोसे ही लिए। आइए ज़रा, बिल्कुल करारा समोसा। छोले लगा कर ऊपर अजवाइन वाली पापड़ी है, मसाले की फिलिंग देख लो एक बारी, मसाले की फिलिंग बहुत बढ़िया, हल्का सा आपको स्पाइसी लगेगा पर टेस्ट बहुत ही अमेजिंग। कचौड़ी का टेस्ट करते हैं। आम और आमचूर का हल्का खट्टापन, भाई अमेजिंग लग रहा है। छोले की सब्जी के साथ जो चटनी डल के कॉम्बिनेशन दे रही है ना, परफेक्ट लग रहा है। वन ऑफ द बेस्ट इन दिल्ली। और छोले चटनी आपको डलवाने ही पड़ेंगे क्योंकि टेस्ट इतना ज़्यादा है। मैं चाहूँगा कि आपने इसको क्रश करके लीजिएगा, जिससे कि समोसे चटनी और छोले का टेस्ट मिक्स हो जाएगा, उससे और बढ़िया मज़ा आएगा। अब आते गुलाब जामुन के, आगे काले वाले गुलाब जामुन गर्मा गर्म। परफेक्ट मीठेपन के साथ सुपर टेस्ट। सुपर टेस्ट मज़ा आ गया। गाइस ये देखिए यहाँ पे लस्सी बन रही है। तो भैया एक बारी में कितने ग्लास बनती है? 12 गिलास। ठीक है, तो करीब 2.5 किलो की दही बनाते हैं एक बारी में, उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होती है दोबारा बनाते हैं, पूरा वेट करके नाप के बनाते हुए हैं। बढ़िया। और ये ऊपर से आ गई चीनी, पिसी हुई चीनी डालते हैं। ऊपर से आ गया दूध, अमूल का टोंड। चले गए, तो हमने इनकी 2 लस्सी भी ले ली है। तो लस्सी हमने आपको बनाते हुए दिखाया और टेस्ट करते हैं इनकी दूध वाली मिला के लस्सी कैसी लगती है। मलाई वाली नहीं है इनके ऊपर, इन्होंने रोज़ा और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाले, गाढ़ी रहेगी लस्सी। आप देखिए कंसिस्टेंसी चेक करिए। ₹50 का ग्लास है, बहुत स्मूथ
बहुत टेस्टी लग रही है। और भाई कचौड़ी समोसे के साथ परफेक्ट है, तो ये भी ज़रूर ट्राई करें। कोई बर्फ़ वगैरह इन्होंने ऐड नहीं करी है, ज़्यादा ठंडी नहीं है, सीधा लस्सी बना के फ्रीज़र में रखते हैं अंदर। बढ़िया टेस्ट लग रहा है।